हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक होगा। और बड़े आराम से बेसिक से स्टार्ट कर हाई लेवल तक हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। बड़े ध्यान से आपको समझना है अप्रोच कैसे करनी है क्वेश्चनों की, कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले कैलेंडर की बात करें। कैलेंडर आप सभी को पता है कि जिसके अंदर डे होते हैं, 12 मंथ होते हैं, हमारे पास 365 दिन होते हैं, क्या क्या चीज़, लीप ईयर क्या होता है, कितने दिन बाद लीप ईयर आता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कैलेंडर में एक सिंपल ईयर की बात करूँ तो उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं एक सिंपल ईयर में। कैलेंडर में किसी भी साधारण वर्ष में जो दिन होंगे वो आपके कितने होंगे, 365 दिन। और एक लीप ईयर में जो दिन होंगे आपके वो कितने होंगे, 366 दिन होंगे। एक लीप ईयर में जो दिन आपके यूज होंगे वो कितने होंगे, 366 दिन। जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी का जो महीना होता है आपका वो 29 दिन का होता है। फरवरी का महीना जो होता है 29 दिन का होता है। और एक सिंपल ईयर में जो फरवरी का महीना होता है वो आपका 28 दिनों का होता है। फरवरी का महीना जो होता है आपका 28 दिनों का होता है। तो बात समझ आई कि एक लीप ईयर के अंदर फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिनों का होता है। मतलब जो एक दिन फालतू होता है, 366 दिन जो होते हैं, वो फरवरी में 29वां दिन जो होता है वो 366 दिन के होते हैं। अब ये जो लीप ईयर आता है ये कैसे पता चलता है कि लीप ईयर है? मैंने एक चीज तो बताई कि लीप ईयर में सबसे मेन चीज क्या है लीप ईयर की, कि जो फरवरी का महीना हो 29 दिन का हुआ। तो आप नोट कीजिए कि जो ईयर चार से भाग हो जाए पूरा, जो ईयर चार से भाग हो जाए वो आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, किसी भी ईयर को चेक करने के लिए वो लीप ईयर है या नहीं है तो वो क्या करोगे, आप चार से भाग करोगे। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। तो अगर आपको लीप ईयर चेक करना हो तो आप क्या करोगे, इसको चार से भाग दोगे, पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं जाएगा, लीप ईयर नहीं है, ये पूरा भाग जाएगा। तो 2004 क्या है, लीप ईयर है, ये भाग नहीं जाएगा, लीप ईयर नहीं है, ये भी भाग नहीं जाएगा, लीप ईयर नहीं है, ये भी भाग नहीं जाएगा, लीप ईयर नहीं है। जो ईयर चार से भाग नहीं हो रहा वो आपका लीप ईयर नहीं है, ये भाग होगा लीप ईयर है, ये भाग नहीं होगा लीप ईयर नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि जो साल जो वर्ष चार से पूरा भाग हो रहा है वो आपका लीप ईयर है। तो किसी भी वर्ष को देखने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है हमें किससे भाग देना पड़ेगा, चार से भाग देना पड़ेगा। परंतु शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा। शताब्दी वर्ष मतलब सेंचुरी ईयर, क्या कहेंगे सेंचुरी ईयर में कौन कौन से, जैसे 1900, 2000, 1700, 1800, ये जितने भी शताब्दी वर्ष होता कौन सा है, जिस वर्ष में लास्ट में दो जीरो आए तो उनको आप 400 से भाग देकर देखोगे। ये 400 से अगर पूरा भाग हो रहा है तो ये लीप वर्ष है, नहीं तो ये लीप वर्ष नहीं है, नहीं हो रहा भाग लीप वर्ष नहीं है, ये भाग हो रहा है 400 से तो ये लीप वर्ष है, ये भाग हो रहा है 400 से नहीं हो रहा ये लीप वर्ष नहीं है, ये 400 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो हमने जब शताब्दी वर्ष को चेक करना होगा हमें तो हमें 400 से भाग करके देखना होगा कि शताब्दी वर्ष है या नहीं है। तो दो चीजें हमने सीखी लीप वर्ष चेक करने के लिए, अगर एक सिंपल ईयर है या कोई सिंपल मतलब ईयर चल रहा है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ऐसे, तो उसको आप चार से भाग दोगे। अगर कोई सेंचुरी ईयर है उसमें कोई लीप ईयर चेक करना तो आपको किससे भाग देना पड़ेगा, 400 से भाग देकर देखना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब रही बात क्या लीप ईयर हर चार साल बाद आता है, अभी देखते हैं क्या लीप ईयर चार साल बाद आता है। 2004 लीप ईयर है, ठीक है, 2000 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है,
2012 लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, इसके हिसाब से तो लीप ईयर क्या आ रहा है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी लीप वर्ष 8 साल बाद भी आता है, कभी कभी लीप वर्ष 8 साल बाद भी आता है, जरूरी नहीं कि लीप वर्ष आपका 4 साल बाद ही आए, वो 8 वर्ष बाद कब आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1896 इसके 4 साल बाद आएगा 1900, इसके 4 साल बाद आएगा 1904, तो 1896 लीप वर्ष है, डिवाइड कीजिए 4 से, डिवाइड हो रहा है, लीप वर्ष है। इसको लीप ईयर चेक करने के लिए किससे भाग दोगे, 400 से, तो ये लीप वर्ष नहीं है। इसको किससे भाग दोगे, 4 से, ये लीप वर्ष है। तो यहां से हमने देखा तो लीप वर्ष कितने साल बाद आया, 8 साल बाद आपका लीप वर्ष आया। तो आप कह सकते हो कभी कभी लीप वर्ष 8 साल बाद भी आता है, लेकिन कब आता है, जो शताब्दी वर्ष, जो सेंचुरी ईयर लीप वर्ष नहीं है, जैसे 1700 लीप वर्ष नहीं है, तो इससे पहले जो लीप वर्ष आया होगा 1696 आया होगा, इसके बाद जो लीप वर्ष आएगा वो कब आएगा, 1704 में, तो कितने साल बाद आया, 8 साल बाद। जिस शताब्दी वर्ष में लीप ईयर नहीं आता, जो शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है, वह उसमें 8 साल का आपका गैप आएगा। 1800 लीप ईयर नहीं है, 1800 इससे पहले 1796 लीप ईयर है, इसके बाद 1804 लीप ईयर, तो कितने साल बाद आया, ये आपका 8 साल बाद आया। तो कभी कभी लीप वर्ष 8 साल बाद भी आता है, जरूरी नहीं कि लीप वर्ष हमेशा ही 4 साल बाद आए। तो ये थी हमारी लीप वर्ष की बात। अब अगर मैं लीप वर्ष की बात मैं करूं कि 10 साल में लीप ईयर कितने होंगे, और मैं आपसे कहूं कि 2000 से लेके 2010 तक कितने लीप ईयर होंगे, 10 साल की जब मैंने बात की तो मैंने कहा कि पहले 10 साल, मैंने कोई नाम नहीं, कोई मतलब लिमिट नहीं दी आपको, तो पहले 10 साल की बात करें तो हम 4 से भाग करके देखेंगे, 4 × 8 कितने बचे, 2, तो ये आपको देखना है ये कितना आया, ये आपके क्या होंगे, जितने पे डिवाइड हुआ ये आपके लीप वर्ष होंगे। और 2010 तक की बात करें तो 2010 तक 2000 भी एक आपका लीप वर्ष है, 2004 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, तो कितने लीप ईयर होंगे आपके, इसमें 3 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो पहले 10 साल या 10 साल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैं पूछ रहा हूं कि पहले 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे। इसी हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 20 साल में कितने, तो कितने आ जाएंगे, 5, 20 साल में कितने लीप ईयर, 5, 30 साल में कितने लीप ईयर होंगे आपके, 7। इसी तरह आपसे पूछूं मैं 50 साल में, 50 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, 12। इसी तरह मैं आपसे पूछूं 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 100 साल में, तो 100 साल में आपके 25 नहीं होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। समझिए कैसे बात की हमने, मैंने अभी आपसे यही बताया था, बात की थी कि कोई भी शताब्दी वर्ष हम चेक करते हैं तो हम, मैंने बात की 100 साल में, 100 वर्ष में लीप ईयर, तो 100 वर्ष में लीप ईयर चेक करते हैं तो हम 0 से लेकर 99 तक तो मैं चेक कर लूंगा 4 से भाग देकर, लेकिन जो 100वां साल होगा मेरा, 100वां, उसको मैं किससे भाग दूंगा, 400 से, इसको मैं भाग करके देखूंगा। जब मैंने इसको 4 से भाग करके देखा तो मेरे पास लीप ईयर कितने आए, 24, 99 तक 24 लीप ईयर आ गए, लेकिन 100वें साल को जब मैंने भाग दिया 400 से तो ये लीप ईयर नहीं आया, तो इसका मतलब टोटल कितने हैं, 24 ही आपके लीप ईयर आएंगे। और इसी तरह 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे वो चेक करने हो तो, 200 वर्ष में लीप ईयर चेक करने हो तो कितने आएंगे, 48, क्योंकि आपको 0 से लेकर 99 तक आपको पता चलेगा कितने आएंगे, 48, 200वां साल आपको 400 से भाग देके देखना होगा, 200वां साल आपको
400 से भाग देना पड़ेगा, क्या लीप ईयर है? नहीं है, तो इतने 48। 300 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 72। और 400 साल में, अब देखिए 399 तक आपके जो लीप ईयर आए वो कितने आ गए? 96 आ गए। और 400वां जो साल है वो भी आपका 400 से भाग हो रहा है, तो कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 97। तो ध्यान रखना कि 400 साल में जो आपके लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे? 400 साल में जो आपके लीप ईयर होंगे वो 97 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करेंगे आगे। क्वेश्चन है, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ध्यान से देखिए, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब इसका आंसर क्या होगा? 400 वर्ष में 11 महीने तो 29 तारीख आएगी, और फरवरी का महीना जो 29 तारीख आएगी वो कितनी बार आएगी? 97 बार, क्योंकि 400 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 97। तो टोटल कितनी बार 29 तारीख आई? 4497, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे कैलेंडर टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू।